तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुर्गियों के टीकाकरण के बारे में, यानी कि मुर्गियों के वैक्सीनेशन के बारे में। चाहे आप देसी मुर्गियां पालते हो या फिर ब्रॉयलर मुर्गियां पालते हो या फिर लेयर अंडे देने वाली मुर्गियां पालते हो, इन सभी मुर्गियों को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, कौन कौन सी वैक्सीन कैसे करते हैं, क्या वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, यदि हम वैक्सीन नहीं करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए अगर आपको यदि कंप्लीट जानकारी चाहिए मुर्गियों की वैक्सीनेशन के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों एक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जो कि मेरी वाइफ का चैनल है, जिनके 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं और 1000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब करना है, अगर आपके काम का है तो भी अच्छा है, अगर नहीं का है तो सिर्फ आपको सब्सक्राइबर पूरे कराने हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि मुर्गियों को कौन कौन सी वैक्सीन की जाती हैं। दोस्तों यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये पीडीएफ ईबुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस पीडीएफ ईबुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ईबुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां, असील कड़कनाथ, एफएफजी सोनाली आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी, कारण, इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी पीडीएफ ईबुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। दोस्तों बहुत सारे फार्मर्स के कमेंट आते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं कि हमारे पास इतनी मुर्गियां हैं और हमने इनका वैक्सीनेशन नहीं किया है, क्या हम वैक्सीनेशन करें या ना करें। तो वैक्सीनेशन किस तरह से करते हैं इसका वीडियो हमने पहले ही एक बार बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हो। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन पर भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो वैक्सीनेशन किस तरह से करते हैं उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि मुर्गियों को टोटल कितनी वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है। एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपको है तो आपको काफ़ी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वैक्सीन हमारी होती है, ठीक है, जो कि सभी चूज़ों को होती है, जितना भी चूज़ा है आपका, चाहे वो देसी का हो, ब्रॉयलर का हो या लेयर का हो, ठीक है, तो सभी की वैक्सीनेशन होती है। वो फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है और वो सबसे पहले दिन की वैक्सीनेशन होती है, मतलब जब चूज़ा निकलता है पहले दिन पे, एक दिन का चूज़ा होता है उसको वैक्सीनेशन की जाती है। और इस वैक्सीन का नाम है मेरॉक्स वैक्सीन, ठीक है। ये जब भी ज़्यादातर हैचरी वाले जो हैं वो इस वैक्सीन को करते हैं, और जो हम लोग चूज़ा घर पे निकालते हैं तो हम लोग के पास ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए हम ये मेरॉक्स वैक्सीन जो है अपने घर पर हम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको मिलती है कहीं पर, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। ये जो लगाई जाती है वैक्सीन, ये चूज़े के गर्दन में इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैक्सीन पहले एक दिन के चूज़े को की जाती है, ठीक है, और गर्दन पर की जाती है, ठीक है। और लेकिन हम अपने घर पर जो चूज़ा निकालते हैं वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप देसी मुर्गियाँ जो घर पर पालते हो उनसे चूज़ा निकालते हो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप इन बर्ड को बिना वैक्सीनेशन यानी कि मेरॉक्स वैक्सीन किए हुए ही आप इनको पाल सकते हो। और दूसरी वैक्सीन की बात करते हैं, दूसरी वैक्सीन होती है लसोटा की, ठीक है। लसोटा की वैक्सीन सभी बर्ड को की जाती है, चाहे आपकी देसी मुर्गी हो या ब्रॉयलर हो या लेयर हो, ठीक है, सभी को लसोटा वैक्सीन की जाती है। और ये वैक्सीन आपकी सातवें दिन, छठे दिन या सातवें दिन की जाती है, यानी कि बर्ड जो आपका छठे दिन का या सातवें दिन का हो जाता है तब इस छठे और सातवें दिन लसोटा की वैक्सीन की जाती है, ठीक है। और ये जो वैक्सीन है ये आप इसको आँख में भी डाल सकते हो बर्ड के, और पानी में भी पीने को दे सकते हो, ठीक है। जो वैक्सीन पानी में लगती हैं
वो ठंडे पानी में लगती हैं। बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी हो या आपका ताज़ा पानी हो, ताज़ा पानी ठंडा आता है उसमें भी आप इसको दे सकते हो। और ये जो लसोटा वैक्सीन है ये रानीखेत बीमारी के लिए लगाई जाती है, ठीक है। रानीखेत बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए, ताकि बर्ड को रानीखेत ना हो, इसलिए लसोटा वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती है। वो है IBD, ठीक है। IBD वैक्सीन आती है, जो कि ये गुम्बारू नाम की एक बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए आती है, ठीक है। गुम्बारू नाम की एक बीमारी होती है उसके रोकने के लिए IBD वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। ये आप जब अगला 7वां दिन होगा, 6ठा दिन या 7वें दिन, यानी कि 13 और 14वें दिन आपकी ये वैक्सीन लगती है। तो अभी और आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जानकारी दे देती है, वैक्सीन क्यों की जाती हैं, ठीक है। तो शुरुआत में बताना चाहिए था, बट अभी हम यहाँ पर आपको बीच में बता रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन की जाती हैं तो इसलिए की जाती हैं क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज नहीं है। रोकथाम हम कर सकते हैं बट इलाज नहीं है, इसलिए इनके लिए वैक्सीन तैयार की जाती हैं। ये वैक्सीन मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे कि अपने यहाँ अभी कोरोना चल रहा है सब जगह, ठीक है। तो कोरोना का सिर्फ इलाज है बट इसका कोई प्रॉपर दवाइयाँ इसकी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए वैक्सीन तैयार की जाती हैं ताकि कोरोना ना हो, ठीक। इसी तरह से ये वैक्सीन ही होती हैं जो कि बीमारियों की रोकथाम की लगाती है, ताकि इनको ऐसी बीमारियां ना हो, ठीक है। क्योंकि जो ये वैक्सीन होती हैं इनमें इनसे जो बीमारियां होती हैं इनका कोई इलाज नहीं होता। इलाज तो है बट इनकी रोकथाम के लिए इलाज है, बट इनकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इनको वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। तो जो IBD जो आपकी वैक्सीन है ये गुम्बारू बीमारी के लिए होती है, ठीक है। और इसे हम 13वें या 14वें दिन करते हैं, ठीक है। और इसको भी आप आँख और पानी दोनों में आप दे सकते हैं। एक चीज़ हम और आपको यहाँ पर बताते चले कि जितनी भी वैक्सीन हो करते हैं हम, ठीक है, इनको हम 7-6-7 दिन के अंतराल में करते हैं। अगर आप संडे को कर रहे हो तो संडे संडे आप करते जाइए। और अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि वैक्सीनेशन टाइम पर नहीं मिल पा रही, तो 1-2 दिन आगे पीछे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं चौथी वैक्सीन। चौथी वैक्सीन आपकी होती है लसोटा बूस्टर। आपने जो पहली वैक्सीन 6ठे और 7वें दिन की होगी, ठीक है, वो आपकी लसोटा वैक्सीन रानीखेत बीमारी के लिए होती है। दूसरी जो डोज दी जाती है वो बूस्टर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, वो मेडिसिन जो आपने पहले वैक्सीन की है और इस वैक्सीन में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने लसोटा की और फिर से आपने लसोटा ही कर दो, लसोटा बूस्टर की दूसरी डोज आती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी आपकी 20-21 दिन में, ठीक है। 20 और 21 दिन में हम लसोटा बूस्टर आपकी करते हैं और इसे भी पानी में ही दिया जाता है। पांचवी वैक्सीन की बात करते हैं तो पांचवी वैक्सीन आपकी होती है IBD बूस्टर, यानी कि जो गुम्बारू नाम की बीमारी है उसके लिए जो IBD हमने पहले की थी और वही यही आप अब आप दोबारा जब आप करोगे, ठीक है, तो ये IBD बूस्टर होती है, ठीक है। इसकी भी दूसरी ही डोज आती है और दोनों सेम नहीं होती, थोड़ा अंतर होता है। तो IBD बूस्टर जो है वो आपको 27वें 28वें दिन की जाती है, ये भी सभी बर्ड को की जाती है। अब चूंकि यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताते, जैसे ब्रॉयलर है तो ब्रॉयलर लगभग अगर हम 20-25 दिन तक की पालते हैं तो लगभग 1.5 kg के आसपास हो जाता है 30 दिन में, और 2 kg के आसपास हो जाता है तो यहाँ पर बेचने वाला होता है। तो ब्रॉयलर में बहुत सारे लोग जो 2.5 kg तक की ले जाते हैं बर्ड को, यानी कि लगभग 40 से 45 दिन बर्ड को रखते हैं, ठीक है, तो वो लोग ये IBD बूस्टर ब्रॉयलर को करते हैं। अदरवाइज़ फिर देसी जो मुर्गियाँ हैं, ठीक, उनको तो करना ही करना है, क्योंकि लगभग ये हम 3 महीने तक पालते हैं। अगर मीट के लिए पाल रहे हैं 4 महीने तक पालते हैं, और अगर हम अंडे के लिए पर्पस से पाल रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक लिए पालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो IBD बूस्टर है तो ये ब्रॉयलर में बहुत कम लोग ही करते हैं, बाकी जितनी भी आपकी देसी मुर्गियाँ हैं अंडों के लिए पालो या फिर मीट के लिए पालो, जो अंडों वाले के लिए लेयर मुर्गियाँ पाली जाती हैं, फार्मी मुर्गियाँ, उन सभी को ये वैक्सीन की जाती है, ठीक है। ये 27वें 28वें दिन की जाती है और ये भी पानी में ही दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फाउल पॉक्स, ठीक है। एक बीमारी होती है माता नाम की, यानी कि चेचक जिसको कह सकते हो, आम इंसान हम इंसानों में होती है, चेचक कहलाती है, या माता नामक की बीमारी होती है। ऐसे ही जो बर्ड होता है, मुर्गियां होती हैं, उनको भी माता नामक की बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि जो इनकी कलगी होती है शरीर में भी, इनके काफ़ी दाने टाइप में पड़ जाते हैं और बर्ड जो है वो सुस्त होने लगता है और बीमार होने लगता है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर
फाउल पॉक्स नाम की एक इंजेक्शन आता है, वो इन बर्ड को लगाया जाता है। ठीक है, ये पानी में नहीं दिया जाता है, ये बर्ड के पंख में लगाया जाता है। और ये हम करते हैं 34 या 35वें दिन, यानी करते हैं 34 डेज में या 35 डेज में हम इसको बर्ड के पंख में लगाते हैं। इसे आप अपने जो भी आप देसी मुर्गियां पालते हो, चाहे वो अंडे के लिए पालो या मीट के लिए पालो, क्योंकि ये कभी भी हो सकती है। ठीक है, कभी भी आ सकती है बीमारी आपके फार्म पर, तो आपकी अभी किसी भी बर्ड को भी हो सकती है। तो अपने बर्ड को अगर इस बीमारी से बचाना चाहते हो तो फाउल पॉक्स की अगर वैक्सीन आपको कहीं पर मिलती है, नहीं मिलती है, तो आप कोशिश करो किसी वेटरनरी वाले से बोल दो कि हमको फाउल पॉक्स की एक वैक्सीन ला करके दे दो, कितना बर्ड है उस हिसाब से आप बता दोगे तो वो आपको ला के दे देगा। ठीक है, ये आपको अपने इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, आधा आधा ML लगभग सभी बर्ड को लगाई जाती है। और सातवीं वैक्सीन है फाउल कॉलरा किल्ड। ठीक है, मुर्गियों को यानी कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो फाउल कॉलरा मतलब बुखार टाइप में हो जाता है बार बार इनको, तो फाउल कॉलरा किल्ड नामक एक वैक्सीन आती है। ठीक है, ये खासकर जो जितने भी अंडे के लिए मुर्गियां पालते हैं उन सभी मुर्गियों को ये वैक्सीन हम करते हैं फाउल कॉलरा किल्ड। और इसको करने का टाइम होता है 41 से 42वें दिन, यानी कि आपका 7वें सप्ताह में आप इस वैक्सीन को करना है। ये भी आपकी पंख में ही इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट जो 8वीं वैक्सीन है वो है इन्फेक्शियस कोराइजा। ठीक है, इन्फेक्शियस कोराइजा एक वैक्सीन होती है जो कि बर्ड को इसे भी पंख में लगाते हैं। ये इन्फेक्शियस कोराइजा क्या होती है, आपने देखा होगा कि बर्ड की एक आंख पक जाती है, यानी आंख में पकने सूजन आ जाती है, दोनों में नहीं एक में आएगी, दोनों में आ रही है अगर सेम तो समझिए उसको कुछ दूसरी बीमारी, बट ज़्यादातर एक आंख में आती है और उसके अंदर एक गांठी टाइप में पीला पीली बनती चली जाती है और बढ़ता चला जाता है। उसका इलाज हम कैसे करते हैं इसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लोगों ने उसको पसंद किया और उसी तरह से ट्रीटमेंट किया और ठीक कर लिया, लेकिन कुछ बातें अभी बाकी हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बता देंगे कि कोराइजा का इलाज कैसे करना है। दोस्तों, कोराइजा नाम की बीमारी को रोकने के लिए इन्फेक्शियस कोराइजा की वैक्सीनेशन करते हैं, करने का दिन ये होता है, फिर अगला 7 दिन आप उसमें जोड़ दिए तो ये 48 और 49वें दिन आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको टाइम से नहीं मिल रही है तो जैसा कि हमने बताया आप आगे आने वाले समय में कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसे भी पंख में इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन 9वीं वैक्सीन है, जो 9th नंबर की वैक्सीन है, वह इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। अब इन्फेक्शियस या ब्रोंकाइटिस क्या होता है, आपने कभी कभी कुछ बर्ड को देखा होगा कि बर्ड एकदम सीधा खड़ा होकर चलने लगता है। ठीक है, उसके पैर वगैरह जो हैं एकदम सीधे हो जाते हैं और एकदम खड़ा होकर के सीधे सीधे चलने लगता है। ठीक है, जैसे बंदर वगैरह खड़े होकर कभी कभी चलते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, तो मुर्गियों में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस को रोकने के लिए, ब्रोंकाइटिस बीमारी को रोकने के लिए हम इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीकाकरण करते हैं। इसे 55 या 56वें दिन मतलब अगले 7वें दिन इसको हमें करना होता है, 55 या 56वें दिन आप इसको कर सकते हो। इसे भी एक इंजेक्शन ही आता है, ये भी बर्ड के पंख में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये 9 वैक्सीन हो गई। अभी अगली नेक्स्ट वैक्सीन है R2B। ठीक है, R2B की वैक्सीनेशन, ठीक है, ये क्या होती है, जैसे कि हम फ्री रेंज में मुर्गियां ज़्यादातर पालते हैं देसी मुर्गियां। ठीक है, और ये फिर या फिर हम लेयर मुर्गियां फार्म में बड़े भी इस तरह में पालते हैं, तो यहाँ पर एक R2B का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ये भी गर्दन में लगाया जाता है और लगभग ये 62 या 63वें दिन इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। ठीक है, तो R2B अगर आप फ्री रेंज में मुर्गियां पालते हो तो R2B का इंजेक्शन आता है, वो आप कहीं से भी मंगा लीजिए। ठीक है, वो अपने बर्ड को लगाइए और अपने फ्री रेंज में किसी तरह से फार्मिंग करिएगे, तो R2B का एक इंजेक्शन आता है। ठीक है, और ये आपको 62 या 63वें दिन आपको करना है। नेक्स्ट जो है वो एक वैक्सीन तो नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डीवॉर्मिंग। ठीक है, डीवॉर्मिंग क्या होती है, इस पर हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप विस्तार से जानना है कैसे करना है, कैसे करते हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर हमने एक डीवॉर्मिंग करके बताया हुआ, और एक आने वाले एक वीडियो में हम आपको डीवॉर्मिंग और भी करके बता देंगे किस तरह से आप कर सकते हो। तो डीवॉर्मिंग का मतलब होता है कि जो बर्ड होता है, ठीक है, आप अंडे के लिए लंबे समय तक के पालते हो या 3 महीने 4 महीने तक के आप कोई भी बर्ड पालते हो,
तो इनके पेट में होते हैं कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ भी खाते हैं इसके कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े पड़ने वजह से इनके पूरी आंतें जाम हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद में बर्ड की जो है वो खाना पीना कम कर देता है, बंद कर देता है, और अंत में वो मर जाता है। तो इन कीड़ों को मारने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को डीवॉर्मिंग कहते हैं। ये 65 से 70 दिन में आपको करनी होती है, यानी कि आप मतलब मान लीजिए कि 2.5 से 3 महीने में आपको, हर 2.5 से 3 महीने में आपको ये आपको डीवॉर्मिंग आपको करनी है, ठीक है। चाहे आप अंडे के लिए देसी मुर्गियां पाल रहे हो, या फिर आप बड़े स्तर पर लेयर के लिए यानी कि जो फार्मिंग मुर्गियां पाल रहे हो, तो उनको आप अगर आप डीवॉर्मिंग करते हो, ठीक है, तो उनकी भी डीवॉर्मिंग की जाती है। तो सभी की लगभग डीवॉर्मिंग की जाती है, और ये हर 3 महीने में रिपीट होती है। अभी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं इन वैक्सीनेशन संबंधित, तो हम सारे यहाँ पर कवर करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपको वैक्सीनेशन संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक देसी मुर्गी पालन PDF बुक है, और अभी आके हम ब्रॉयलर मुर्गी पालन, लेयर मुर्गी पालन और एग हैचिंग की भी सारी PDF हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी है देसी मुर्गी पालन हिंदी में जो की है वो कम्प्लीटली तैयार हो है, ठीक है। और इस PDF ईबुक में आपको सारी जानकारी देसी मुर्गी पालन की मिल जाएगी, कैसे आपको पालना है, कैसे आपको इनको मेडिसिन आपको देनी है, ठीक है, कैसे आपको इनकी वैक्सीनेशन करनी है, इसमें भी काफ़ी जानकारी आपको मुर्गी पालन से संबंधित मिल जाएगी। इसकी कीमत हमने सिर्फ 51 रुपीज़ रखी हुई है, ठीक है। अगर आपको और विस्तार से जानना है कि इसमें क्या क्या जानकारी है, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अगर चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर 11 वैक्सीन के बारे में हमने आपको बताया जो कि मेन थी, ठीक है। इसके अलावा 3-4 वैक्सीन और होती हैं जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, वो हम आपको आने वाले आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अगर हम वैक्सीन नहीं करें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप वैक्सीन जो हमारी की जाती है बतन की बर्ड की सुरक्षा के लिए की जाती है, जल्दी जल्दी ये बीमारियां फार्म पर नहीं आती हैं, लेकिन बट अगर एक बार फार्म पर आ गई, ठीक है, तो आपने बहुत सारा बर्ड डाला हुआ है, ठीक है, तो आपका सारा बर्ड सफा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे कि हमने बताया कॉलरा का, कॉलरा किल्ड की जो फाउल कॉलरा किल्ड की है, तो अगर ऐसी बीमारी आ जाती है फार्म पर, तो फार्म में बहुत ज़्यादा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी वैक्सीनेशन सिर्फ बर्ड की सुरक्षा के लिए और अपने भी सुरक्षा के लिए होती हैं। अपनी सुरक्षा मतलब होता है कि हमारी बर्ड अगर मरेंगी नहीं तो हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर बाई चांस कोई बीमारी आ गई आपके फॉर्म में तो उससे बचाव हो सकता है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपके फॉर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हमारे पास 10-20-50 मुर्गियाँ हैं, हम इनकी वैक्सीनेशन करें कि नहीं करें। अगर आपको फिलहाल इतनी जल्दी जल्दी ये बीमारियाँ फार्म पर नहीं आती, इसके अलावा आपको जो भी वैक्सीन मिलती है वो आप करिए, जब भी मिलती है तब करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको ये सारी वैक्सीन करनी ही करनी है, जो जो वैक्सीन आपको मिलती जाए वो सिर्फ कर वो आप करते जाइए। एक सवाल यहाँ पर और आता है कि भूल जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमें मेराक्स को छोड़ के, मेराक्स सबसे पहले लगाई जाती है, इसको छोड़ के लसोटा वैक्सीन आपकी हर 3 महीने में रिपीट होगी, ठीक है। हमें जितनी भी वैक्सीन्स हैं और ज़्यादातर वैक्सीन है इसमें हर 3 महीने में रिपीट होनी है, ठीक है। लसोटा की आपकी हर 3 महीने में रिपीट होनी है, गुम्बारों की हर 3 महीने में आपकी रिपीट होनी है, ठीक है। कोराइजा और ब्रोंकाइटिस की, ये सभी जो जितनी भी आपकी वैक्सीन है लगभग जहाँ तक हैं, तो ये हर 3 महीने में रिपीट होती हैं। 3 महीने मतलब अगर आप मुर्गियाँ पालते हो, कम से कम 1.5 साल के लिए मुर्गियाँ पालते हो, 6 महीने बर्ड की ग्रोथ होती है और अगले 1 साल तक की वो अंडे देती हैं, कुल मिला के 1.5 साल तक की, तो लगभग हर 3 महीने में ये सारी जो वैक्सीन है आपको रिपीट करते रहना है, और इससे आपकी बर्ड जो है वो सुरक्षित रहेगी। अभी यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी हमारी जैसे हमने अभी तक कोई वैक्सीन नहीं की, आपका बर्ड हो गया 1 महीने का, आपका हो गया 2 महीने का, और अंडे के लिए आप पाल रहे हो, और अभी तक हमने उनको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं किया है, तो क्या आप हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं? आज आपको पता चला है, ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में, तो आज से ही अपनी कोशिश करो कि सारी जितनी भी वैक्सीनेशन आपको मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए, उन सभी वैक्सीन को आप अपने बर्ड को करिए, ठीक है। करने का तरीका हमने सभी कुछ यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको कई सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई अगर आपका सवाल बाकी है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिखिए। आने वाले वीडियो में हम उन सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई ज़रूरी से ज़रूरी होगा तो हम और भी वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से वीडियो बनाएंगे। और जितने भी यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बताई हुई हैं, ठीक है, ये हम आने वाले फ्यूचर में जब हम और मुर्गियाँ अंडों के लिए पालेंगे या फिर किसी और फार्म पर जो लोग मुर्गियाँ अंडों के लिए पालते हैं, ठीक है, वो सारी वैक्सीनेशन हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे कैसे वैक्सीनेशन करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ।